उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व भावी अभूतपूर्व मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री एवं संभावित प्रधानमंत्री अगर देश का संभावित प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जैसा व्यक्ति या व्यक्तित्व नहीं होगा तो और किसे होना चाहिए? सारे अखिलेश यादव के अंदर सारे गुण मौजूद हैं, लोकप्रियता है, जवानी है, जोश है, अनुभव है, विद्या है, गुण है और तो और इनके सारे सर्टिफिकेट्स भी असली हैं। और अखिलेश यादव के अंदर वो मादा है, वो ताकत है, वो वक्त है, वो क्षमता है, सबको, सारी जाति को, जात को, मजहब को साथ लेकर चलने की। सही मायने में अगर किसी के ऊपर सबसे ज्यादा लागू होता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो अखिलेश यादव पे होता है। और इनकी डिग्री ढूंढने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट पे मौजूद है, देख सकते हैं इनका। बाकी डिग्रीज के मामले में तो आप कह सकते हो ढूंढते रह जाओगे, अभी तो ढूंढते ही जा रहे हैं। तो ऐसे अखिलेश यादव को, जिनका भरपूर सहयोग और प्यार मिला और आप तमाम लोगों के साथ कि शांति यात्रा, गांधी शांति यात्रा आज उरूज पे आई है, क्लाइमेक्स पे आई है और दिल्ली पहुंचते पहुंचते क्रिसेंडो पे आ जाएगी एकदम बिल्कुल। ऐसे हमारे यहाँ पे भाई हमारे बहुत ही जबरदस्त एक्टिविस्ट, बहुत पढ़े लिखे, वर्ल्ड बैंक से आए और आज मिट्टी की खुशबू ने उनको हिंदुस्तान बुलाया और तब से किसानों के बीच संलग्न है। ऐसे कर्मठ सामाजिक और रचनात्मक व्यक्ति प्रकाश गवांडे जी उपस्थित। अभी तेज तर्रार भाषण देखा आपने, तेज जी का गजब किया उन्होंने, मैथ्यू जी और जितने लोग मंचासीन हैं उन सबको प्रणाम करते हुए सबसे ज्यादा आज के इस कार्यक्रम में मैं अपने परिवार के, समाजवादी परिवार के युवा शक्ति को, अपने आदरणीय बुजुर्गों को और अपने घर की महिलाओं को, इतनी अच्छी अच्छी महिलाएं बैठी हमारे घर की, बहुत जान है आप में, बहुत जान है। कैसे आपने यहाँ पे लखनऊ में, शाहीन बाग में, देश के कोने कोने में आपने पुरुषों को भी मात दिया है, जिस लगन के साथ, जिस जोश के साथ, जिस ऊर्जा के साथ आप बैठी हैं वहाँ पे, सत्य की लड़ाई लड़ रही हैं, सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रही हैं, गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए अहिंसा के साथ सत्य की लड़ाई, सिद्धांत की लड़ाई लड़ रही है। मैं समझता हूँ आप तमाम लोग बहुत ही काबिल हैं, प्रशंसनीय हैं, आपका काम सराहनीय है और सही मायनों में लोगों के लिए अनुकरणीय है।
आप जिंदाबाद और शत्रुघ्न सिन्हा तो हो ही जाएगा जिंदाबाद। एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, ज्यादा वक्त नहीं लेता हुआ है, मैं देख चुका हूं ये जोश और ऊर्जा जो देख रहा हूं यहाँ पे, देश के कई जगह जाता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की और लखनऊ की तो अपनी बान है, आन बान शान है, अपनी बात है, गजब है। उन्हें देखना चाहिए, लगता है उन्होंने देखा नहीं है, तभी वो बोलते हैं डंके की चोट पे, कहेंगे काहे का डंके के चोट पे, खामोश डंके की चोट पे गए हैं। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, यानी एक तो इतना बड़ा हादसा करने की कोशिश की है देश में, और इसकी शुरुआत जैसा यशवंत भाई कह रहे थे, अगर वहां से लेकर आऊं जो जिक्र किया इन्होंने कि नोटबंदी, नोटबंदी से जो हुआ आपको पता ही है कि नोटबंदी से तो युवाओं का क्या हुआ, बेरोजगारों की टोली और बढ़ गई, दुकानें बंद हो गई, छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कृषि किसानों की जो हालत हुई, आज तक तो उनको उचित मूल्य नहीं मिला, ऊपर से किसानों की जो बदहाली हुई, वो सब तो अपनी जगह है ही। एक मुद्दे पर इन्होंने रोशनी नहीं डाला अपने स्पीच के धारा प्रवाह में, और वो था कि हमारे घर की महिलाओं पर क्या गुजरी। ये हमारे अपने घर की महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें अपने पिता से छुपाकर, अपने पति से छुपाकर, मगर अच्छी नीयत से, उन्हीं की दवा दारू के लिए, उन्हीं के इलाज के लिए, घर के शादी ब्याह के लिए, घर में बीमारी से लड़ने के लिए, किसी इमरजेंसी के लिए, सालों साल जो पैसा उन्होंने तकिया के नीचे या अलमीरे के पीछे छुपा के रखा था, एक रात तुगलकी फरमान और एक रात की घोषणा के बाद सारे पैसे उनके हवा हवाई हो गए, बर्बादी। उफ, अपने पैसों के लिए लोग लाइन में लगने लगे, जरा याद कीजिएगा, अपने पैसों के लिए लाइन में लगने लगे, मरने लगे, संघर्ष करने लगे, त्राहिमाम स्थिति हो गई। और आप कल आना, परसों आना, एटीएम में नहीं है, एटीएम बर्बाद हो गया, बैंकों में लोग पुराने नोट गिनने में लगे, उनको फिक्र नहीं कि आगे क्या करना है। जैसा यशवंत भाई ने कहा कि जितने नोट काला धन लाने और हटाने की बात तो दूर, जितने नोट्स आपने जब्त किए या बर्बाद किए उससे ज्यादा पैसे आ गए। अब कहाँ से आए हैं, हवाई जहाज से ढोके लाए गए बाहर से, नकली नोटों को असली नोट कर दिया गया, या हमारे एक जो पार्टी है अहंकार से भरी हुई, उस पार्टी के जो मुखिया लोग हैं, यानी मुखिया लोग अहंकार से भरे हुए हैं, उन मुखिया लोगों ने अपने नोट करवा लिए उसमें जो पुराने, कैसे आगे बढ़ गया, कैसे सारे पैसे वापस आ गए, जरा कभी गौर कीजिएगा, फूड फॉर थॉट, मानसिक आहार। आप तो सब दबंग लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं आप लोग, जरा सोचिएगा तो कैसे पैसे जितना निकल गए, हम सब नोट बर्बाद किए, हवा हवाई हुए, और जितने नोट गए थे उससे ज्यादा नोट आ गए। ये तो तिकड़म आज तक हिंदुस्तान में ही हो सकता, और शायद यही लोग कर सकते हैं जिन, है ना, बहुत है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यानी जरा गौर करना। और उससे बड़ी बात क्या, क्यों क्यों करते हैं ये, वहां से शुरुआत की, जब मुद्दे सामने आ गए, ज्वलंत हो गए, जवाब देना मुश्किल हुआ, तो अचानक एक रात नोटबंदी। नोटबंदी से हम अभी उभर ही नहीं पाए थे कि नीम पे करेला, जीएसटी, ध्यान भटकाते भटकाते जीएसटी। जीएसटी में आपको पता होगा कि आज तक साल के 365 दिन होते हैं, लेकिन जीएसटी में 400 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। उसके बाद हाफ बेक्ड, हाफ ट्रुथ, 370, तीन तलाक, ये सारी हरकतें करते करते, ध्यान भटकाते भटकाते, उसके बाद ये आपके सामने आ रहा CAA, NRC, जिसके डर से अनार्की फैली हुई समाज में, और NPR, और इससे भी उनके आगे के इरादे हैं, जैसे भाई बता रहे थे, अभी आगे के इरादे हैं, अभी पॉपुलेशन कंट्रोल, यानी अभी जो पॉपुलेशन है ना, उससे हिस्से अगर निकले तो उनके पास दूसरा कार्ड तैयार है, ताश का पत्ता तैयार है, वो फेंकने के लिए, ध्यान भटकाना, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना।
तो आखिर कब तक? कुछ लोग हमारे मित्र कह रहे थे कि माइनॉरिटीज हमारी कितनी अच्छी है, कि माइनॉरिटी कब तक चुप रहेगी? आपने कश्मीर किया, आज तक शांति नहीं आई। आप बोल रहे हैं शांति आ गई, शांति आई नहीं। वहाँ के नेताओं को अभी तक गिरफ्तार किया हुआ है, वाईफाई अभी तक शुरू हुआ नहीं हुआ, कब हुआ, कल हुआ, क्या तमाशा है। पूरे चाइना में तो कोरोना वायरस पे कुछ डिस्ट्रिक्ट सील किए हुए हैं। आपने तो पॉलिटिकली पूरा कश्मीर को और ख़ासकर श्रीनगर को, वैली को तो आपने सील कर दिया बिल्कुल, ऐसा कर दिया। दुनिया में आवाज़ उठ रही है, आप यूरोपियन यूनियन के लोगों को बुलाते हैं यहाँ पे, उनको दामाद की तरह ले दिखाते हैं यहाँ पे, और आप उन्हीं लोगों को ले जाते हैं जो आपके गीत गा सकें, और सेलेक्टेड जगह पे दिखा रहे हैं उनको, पूरा कश्मीर घूमने नहीं दे रहे हैं श्रीनगर। उसके बाद भी बात फैल जाती है, जब पता चलता है कोई टूरिस्ट नहीं जा रहा है, पता चलता है जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। यशवंत सिन्हा जैसा इतना बड़ा व्यक्तित्व, ये अपनी टीम के साथ जाते हैं सिविल सोसाइटी के साथ, तो पहले तो इनको एक बार एयरपोर्ट से निकलने नहीं दिया जाता है, दूसरी बार इनको वहाँ वापस कर दिया जाता है, एक बार इनको कहा जाता है आइए आइए सर ज़रूर आइए, होटल में ले जाते हैं, कहता सर होटल से ही जो देखना है देख लीजिए, होटल से बाहर निकलना मना है प्रतिबंध लगा के। आज उसी यूरोपियन यूनियन का आपने पढ़ा होगा अखबारों में, कश्मीर के मामले में और CAA के मामले में भी, नागरिकता कानून के मामले में 750 से ज़्यादा MPs हैं यूरोपियन यूनियन के, उसमें से 651 ने कहा है, हालांकि भारत का आंतरिक मामला है, मैं उसका बहुत समर्थन नहीं करता हूं, मैं भी नहीं करता हूं कि भारत का आंतरिक मामला, लेकिन वो दर्द छलक गया और 651 लोगों ने कहा है 750 से ज़्यादा में कि जो भारत में हो रहा गलत हो रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात दुनिया भर में फैल गई है। अभी आपने देखा होगा परसों बिलियनर सोरस डावोस के इकोनॉमिक फोरम में कहा उसने कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को बहुत खतरा है, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादती हो रही है, धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है, लोग एक दूसरे को शक की दृष्टि से देख रहे हैं, लोग खुश नहीं हैं। और डेमोक्रेसी की बात की तो एक दो बातें और बता दूं आपको, क्योंकि आप लोग युवा पीढ़ी के ज़्यादा लोग हैं तो आपको ज़्यादा समझना बहुत ज़रूरी है। अभी अभी थोड़े दिन पहले आया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स, दुनिया में सबसे ज़्यादा भूखमरी का जो पैमाना है कि भूखे या भूखमरी का ग्लोबल इंडेक्स, कितना सुन के आपको ताज्जुब होगा जिन्हें नहीं पता होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान का 130 या 125 या 150 देशों का आंकलन हुआ, उसमें 90 से नीचे स्थान है हिंदुस्तान का, इतनी भूखमरी, इतनी गरीबी है यहाँ पे, बेरोजगारी। और पाकिस्तान भी हमसे ऊपर है, पाकिस्तान हमारे से ऊपर है, करीब 80 के करीब, 70-80 के बीच में है। बांग्लादेश हमसे बहुत अच्छा है, 60-65 के बीच में है, हिंदुस्तान 90 से नीचे। कितने शर्म की बात है या कितने दर्द की बात है। और अभी डेमोक्रेसी का मामला, डेमोक्रेसी के मामले में इंडेक्स में आया है दुनिया का पैमाना, जो हम शान से कहते थे कि दुनिया के सबसे पुरानी या दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे पास है, हम लोग तो लोकतंत्र पे ही जीते हैं, लोकतंत्र ही हमारा आधार है, कितना बढ़िया से पावर शिफ्टिंग होता है, एक जाता है दूसरे आता है, उसमें लोकतंत्र वाले में EVM मशीन का जिक्र नहीं है। EVM मशीन, अब तो इलेक्शन भी EVM मशीन के सहारे हो रहे हैं, बहुत लोग देख ही रहे हैं, आपको सुन के ये भी ताज्जुब होगा। सुप्रीम कोर्ट में 547-548 सीटों जो जीती गई हैं, उसमें से 347 या 350 के करीब ये EVM मशीन का या मैल फंक्शनिंग का, या आप जो कहते हैं डिस्क्रिपेंसीज, 10% से लेकर 50% तक का डिस्क्रिपेंसीज पाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करके, सुप्रीम कोर्ट ने उस पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजा है, कहा अब इसका जवाब नहीं, इसी महीने आना चाहिए उसको। अब क्या होगा सुप्रीम कोर्ट के बाद की बात बताए जा रहा हूँ आप लोगों को, कि कैसे कैसे हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ज़रा गौर कीजिएगा,
डेमोक्रेसी के जिसमें हिंदुस्तान को हमेशा नाज रहा है और नाज होना भी चाहिए, हिंदुस्तान का नंबर आज 51 हो चुका है। 10 में नहीं है, 20 में नहीं है, 50 30 में नहीं है, 50 में नहीं है, स्लिप करते हुए 51 में आ गए। ये डेमोक्रेसी है हमारी, इसकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी, अपने अहंकार अपने दम के आधार पे जो चाहे कर देंगे, बिल कोई भी पास कराने, जन शक्ति उनके पास है नहीं अब, अब तो सिर्फ धन शक्ति है और धन शक्ति के आधार पे काम किए जा रहे हैं। आखिर कब तक, जो मैं कह रहा था माइनॉरिटीज के बारे में बोलते, कब तक वो चुप रहेंगे? चुप तो रहे, वो नोटबंदी पे चुप रहे, वही बहुत सफ़र किए, गरीब लोग बहुत सफ़र किए। अब उसके बाद आप 370 पे चुप रहे, राम मंदिर पे चुप रहे, लोग कह रहे सब चाहे चुप, अब ये कर दिया, उनको खतरा पैदा कर दिया, और उनको ही खतरा नहीं पैदा किया है, आपने सबसे ज्यादा खतरा पैदा कर दिया है, शायद उनसे भी ज्यादा, अपने गरीब परिवार पे, अपने दलितों पे, अपने पिछड़ी जाति के जिन्हें आप लोग कहते हैं, इन लोगों पे। जरा सोचिए जो बिहार से है कि उत्तर प्रदेश से है, ये कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं जलजला आ गया, और डॉक्यूमेंट्स कहां से ढूंढेगा? ये अपने पिताजी और दादाजी का डॉक्यूमेंट तो ला नहीं सकते हैं। आप में से कितनों के पास होगा जो पिताजी का और माताजी का डॉक्यूमेंट होगा? अपना ही नहीं मिलेगा अभी, कई साल पहले का। हाँ प्रणाम, तो ये अपना ही नहीं मिलेगा इनको। अब ये डॉक्यूमेंट्स की बातें हो रही हैं, आप उनको दूर करने की बात कर रहे हो, आप डरा रहे हो उनको। इस तरह से जो छात्रों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, छात्राओं पर जो हो रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरह से घुस गए लड़कियों के मार मार के, लाइब्रेरी में, जेएनयू में जो हुआ, ये क्या तमाशा? आखिर कभी तो कुछ होगा, और वही कभी तो कुछ होगा घड़ी में हम आए हैं कि आज उनके इस सारे रूप देखकर, एनआरसी हो, सीएए हो, एनपीआर पॉपुलेशन रजिस्टर हो, इन सारे को देख के एक के बाद एक जो कहे जा रहे हैं और किए जा रहे हैं, उसमें हमें वही बशीर का वो शेर याद आता है कि दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो, दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। बहुत हो गया खामोश, अब नहीं चलेगा, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। इसीलिए कहा कि हम लोगों को अभी गांधी जी की चरण में और गांधी जी की शरण में अपने आप को अर्पित करते हुए हम लोग अभी यही प्रार्थना यही दुआ है। जैसे आपने सुना होगा ये कि हम अब कामयाबी के नज़दीक हैं। गांधी जी की बात पे आखिर में एक दो बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये आपको लगता होगा कुछ लोगों को कि आंदोलन गहरा तो गया है, पर क्या होगा, मानेगी नहीं मानेगी, करेगी सरकार नहीं करेगी, कैसे नहीं करेगी, करना ही पड़ेगा। ये राष्ट्रहित का सवाल है, ये जनहित का सवाल है, हमारे घर की महिलाओं का सवाल है, हमारे देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है, करना ही होगा। ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, और इसलिए भी शांतिपूर्ण तरीके से हम चल रहे हैं। इसलिए यही कहना चाहूँगा अभी कि हम सब की तरफ से कि चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, बना रहे थे जो किस्से अपनी तबाही के, बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। आइए हम सब इस तरह एक गुट एकजुट हो जाएं, और इस तरह से यशवंत भाई के नेतृत्व में, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, वो लोग जो सही मायनों में देशभक्त हैं और देश की सबसे ज़्यादा जिनको चिंता है फिक्र है, उनके नेतृत्व में हम ना बहकें और ना भटेंगे, बल्कि हम सब एकजुट एकजुट होकर शांति के साथ अपने आंदोलन को, जैसा मैंने शुरू में कहा, ये क्लाइमेक्स से हम लोग क्रिसेंडो की ओर ले जाएंगे। क्योंकि गांधी जी, मैंने कहा था अपनी बात समाप्त करूंगा गांधी जी की इसी वाणी से, गांधी जी ने कहा था किसी भी आंदोलन को
सम्मान तक पहुंचाने में चार दौर से गुजरना ही पड़ता है, चार दौर से गुजरना ही पड़ेगा। पहला दौर है उपहास, जब उन्होंने संसद से धन शक्ति या संसद शक्ति के बदौलत जब बिल पास किया या करवाया गया जैसे तैसे भी, तो हमने जब विरोध किया तो वो हंसे, उपहास, हमारा मजाक उड़ाया, साहब संसद से हो चुका है, ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, उपहास। लेकिन हमारी एकता बढ़ती गई, हम आगे चलते गए, आगे चलते गए, हमने कहा कि जाति है, जुल्म है, ये शोषण है, ये गलत है। तो दूसरे दौर से गुजरना पड़ता है उपेक्षा। उन्होंने कहा इनकी परवाह मत करो, इग्नोर करो इनको, ये कौन होते हैं, हमने तो संसद से कराया है, हमने तो, हमारे पास धन शक्ति है, हमारे पास जन शक्ति ना भी हो लेकिन हमारे पास जो शक्ति है, धन शक्ति, और हमारे पास अलग अलग पार्टी के लोगों को जैसे ये मैनेज करके हमने बिल पास करवाया है, तो इनको इग्नोर करो। उपेक्षा, उपहास, उपेक्षा। उसके बाद जब हम देखा कि इस चिंता के साथ जैसे मौलाना साहब बैठे हुए हैं, जैसे आप लोग बैठी हुई हैं, जब ये लगन के साथ लगे रहे और फिर आगे बढ़ते गए, फिर जब शाहीन बाग शुरू हो गया, जब JNU शुरू हो गया, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शुरू हो गया, जब जामिया शुरू हो गई, जब आप सब शुरू हो गए, जब लखनऊ शुरू हो गया, तो तीसरा दौर और खतरनाक। उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार, कंटेम्प्ट, इन्हें गालियां दो, कहो कि ये तो देशद्रोही हैं, ये तो एंटी नेशनल हैं, ये देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये बागी लोग हैं। यानी पहले उपहास, फिर उपेक्षा, फिर तिरस्कार, गांधी जी ने कहा, और इनसे भी आगे आप निकलोगे तो चौथा सबसे खतरनाक, दमन, दमन, दबाव, क्रश करो। मैन पावर, मनी पावर, गून पावर, गन पावर, इनको स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के जरिए इनको दबाओ, इनको मारो, इनको लाठी चार्ज करो इन पे। अब ये सब करेंगे दमन, लेकिन उन्हें देश की जनता का पता ही नहीं जो करवा रहे हैं ये लोग। आप लोग बहुत दमदार हो, बहुत जानदार हो, बहुत शानदार हो, हमारे देश की जनता में वाकई बहुत जान है। तो इसलिए गांधी जी ने कहा था कि इन चार दौर से अगर गुजर गए, जो हम गुजर रहे हैं और गुजर जाएंगे, उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार, दमन, और दमन से आगे निकल गए तो सम्मान आपके कदम चूमेगा। और अभी हम दमन और सम्मान के बीच में झेल रहे हैं और दमन और सम्मान के बीच में झूल रहे हैं। अभी आप लोग का साथ रहा तो 30 जनवरी के बाद इसी महीने, अगले महीने मिडिल में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला आ रहा है। हम दुआ करते हैं कि कुछ लोगों को अच्छी अकल आएगी और जनता के हित में ही फैसला आएगा। इस कामना के साथ, प्रार्थना के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि बस हम अब आखिरी चरण में हैं। जैसा गांधी जी ने कहा था, सम्मान हमारे करीब है, सामने दिख रहा है, अभी हम हिम्मत न हारें, आगे बढ़ें, गांधी जी को याद करते रहें। महात्मा गांधी जिंदाबाद, सत्य और अहिंसा, अहिंसा का मंत्र जिंदाबाद, आप तमाम लोग जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, जय बिहार, जय हिंद।